पुण्यमात्रम विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय एक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी इस पाठ का पूरा रिवीजन हो जाए। साथ ही कोशिश ये करूंगा कि जितने भी प्रश्न इस पाठ से जो भी बनते हैं परीक्षा के दृष्टि से, वो सारे इस पाठ में कवर हो जाए। इस वीडियो को आप एक या दो बार देखेंगे तो आपका पूरा पाठ है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और कोई भी प्रश्न इसमें से किसी भी तरीके से पूछा जाएगा आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है इस पाठ का, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के जो वाला पाठ था, उसमें 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण देश के सामने थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आजादी के पश्चात राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ एक और गंभीर चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना भी थी। नेताओं ने इस हेतु विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों में पारस्परिक एकता की भावना विकसित करने का प्रयास किया। देश के विशाल आकार के कारण निष्पक्ष चुनाव करवाना भी एक गंभीर चुनौती थी, और चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी था। साथ ही मतदाता सूची बनाना भी दुष्कर कार्य था, क्योंकि मतदाता सूची उस समय पहली बार बनानी थी तो काफी महत्वपूर्ण काम था, दुष्कर काम था। और हमारा संविधान, जैसे आपको पता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अलग अलग बन रहे हैं, तो वो आप ध्यान से देखें कि एक तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, दूसरा 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। जैसा अभी गणतंत्र दिवस मनाया आपने, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, और 24 नवंबर 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। और भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में जनवरी माह में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा भी जा सकता है कि सुकुमार सेन है, वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने, और उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, और जिन्हें 3200 विधायक, यानी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 3200 विधायकों को चुनना था, और लोकसभा हेतु 489 सांसद चुनने थे। ये आंकड़ा भी याद रखना जरूर। और मतदाताओं में मात्र 15% मतदाता ही साक्षर थे, क्योंकि उस समय साक्षरता की दर बहुत कम थी। सिर्फ 15% मतदाता ही साक्षर थे, और चुनाव कराने हेतु 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों की को प्रशिक्षित किया गया, और अंततः 1952 में आम चुनाव संपन्न हुए। तो जैसे आपको बताया, भारत के पहले जो आम चुनाव है 1952 में संपन्न हुए, और कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक ने मतदान किया। चुनाव निष्पक्ष हुए तथा पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। तो इस टॉपिक में से काफी कुछ छोटे प्रश्न भी बन रहे हैं, जिसमें एक तो संविधान से संबंधित 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी और 26 जनवरी, इसके अलावा सुकुमार सेन कितने विधायक चुने थे, 3200 विधायक लोकसभा हेतु 489 सांसद चुने थे, मतदाता सिर्फ 15% साक्षर थे, और 1952 में पहली बार जो देश में वो चुनाव हुए। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। आजादी के बाद जब संविधान लागू, उसके बाद 1952 में जब पहले चुनाव हुए, तो पहले चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना आजादी से पूर्व 1885 में हुई थी, तो ये बहुत पुरानी पार्टी थी और एकमात्र पार्टी जिसका संगठन पूरे देश में था। तथा इसके नेता जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई नेता थे। इसके अलावा आम चुनाव में 489 में से 364 सीटें इसको मिली, यानी कुल 489 जो सीटें थी पहले जो प्रथम चुनाव, उसमें से 364 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली, तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा था। दूसरे आम चुनाव 1957 में, यानी 52 के बाद में 5 साल के बाद में 1957 में चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस की स्थिति बरकरार रही और 371 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई, यानी इससे भी ज्यादा सीटों पर मिली। और तीसरे आम चुनाव में 1962 में भी कांग्रेस ने 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया और 361 सीटें प्राप्त की। तो इस तरीके से केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक बार फिर एक दलीय प्रभुत्व की स्थापना हुई, और किसी भी राजनीतिक दल को लोकतंत्र में विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। तो पहले 3 जो आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, 1952 पहला चुनाव, उसके बाद में 1957 और तीसरा जो चुनाव था 1963-62 में, ये 5 साल के अंतराल में जो भी चुनाव हुए, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भारत में कांग्रेस की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, यानी उस समय जितने भी
देश के जो क्रांतिकारी या जो भी नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो सभी लगभग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इसलिए ये कांग्रेस जो है, और इसको आपको बताया कि इसकी स्थापना भी 1885 में हुई थी, तो यहाँ सॉरी 1885 में हुई थी, तो ये काफी पुरानी पार्टी थी और 1959 तक भारत कांग्रेस के पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। यानी तीन लगातार चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व या दूसरे देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से निम्न प्रकार से भिन्न था। यानी भारत में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था, दूसरे देशों में भी कई देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, लेकिन दोनों में क्या अंतर था, तो ये तीन जो या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दो बता रहा हूँ, वो भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के से अलग कैसे था। तो पहला तो था कि अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, जबकि भारत में एक पार्टी प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। दूसरा, जैसे कई देशों में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो भी पार्टी आ गया उसकी सरकार बनी, तो वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा, अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व संविधान में एक पार्टी को ही शासन करने की अनुमति देने या कानूनी व सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। यानी कि अगर मान लो कुछ दूसरे जो भी देश थे उनमें अगर एक पार्टी का शासन रहा तो वो मजबूरी का रहा, यानी या तो संविधान में एक पार्टी का ही प्रावधान या सैन्य जो भी उपाय वगैरह उसके चलते अगर एक पार्टी की शासन कम हुआ। लेकिन भारत में विभिन्न पार्टियां थी लेकिन उसमें मुकाबला हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रभुत्व कायम हुआ, तो ये कांग्रेस के जो प्रभुत्व की प्रकृति थी दूसरे देशों की प्रभुत्व की तुलना में काफी अलग थी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक संगठन के रूप में। तो पहला पॉइंट इसमें है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उस समय यह नव शिक्षित कामकाजी व्यापारिक वर्ग का एक समूह भर थी। यानी शुरुआत में कांग्रेस में जो भी नव साक्षर लोग उस समय के जो शिक्षित लोग थे वो थे कामकाजी और व्यापारिक वर्ग के जो थे, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप लिया। और दूसरा जो पॉइंट है, कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गियों को इसमें शामिल किया। यानी कि कांग्रेस उस समय सभी जो भी विचारधाराओं के जो लोग थे सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी के रूप में कांग्रेस ने शुरुआत की। और कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह और राजनीतिक दल तक आज उठते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। तो उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी के रूप में कांग्रेस थी, एक राजनीतिक दल की तुलना में एक जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली एक पार्टी के रूप में का जो भी उदय हुआ था। और तीसरा, अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। यानी कांग्रेस में गठबंधन का जो भी स्वभाव था जिसके कारण सभी जो भी अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी है उसमें जुड़े हुए थे, उनमें जो भी वैचारिक मतभेद था लेकिन अन्य कोई मन मुटाव नहीं था। और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस के विभिन्न गुटों में सहनशीलता थी। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है या कई बार पूछा भी जाता है, कांग्रेस प्रणाली क्या है। तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब हो गया कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को यानी 1952 से लेकर 1970 के काल को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब हो गया कि ऐसी प्रणाली या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें विपक्ष भी वही दल हो, मतलब जो भी शासक दल की भूमिका भी उसी दल ने निभाई और विपक्ष की भी भूमिका उसी दल ने निभाई, क्योंकि विपक्ष का लगभग अभाव था। कोई भी पार्टी है वो विपक्षी पार्टी की जो भी क्राइटेरिया था उसमें शामिल नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से शुरुआती तीन जो भी चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और किसी भी पार्टी को विपक्षी दल की भूमिका भी ने हासिल नहीं हुई। तो इस कालखंड को यानी 1952 से 1970 के कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अगला पॉइंट है सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में हुआ और युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। और 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण न कर सके। और इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। यानी कांग्रेस से ही अलग होकर के कुछ जो पार्टी के नेता थे उन्होंने जो समाजवादी विचारधारा के थे उन्होंने मिलकर के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो ये सोशलिस्ट पार्टी थी। अब एक इम्पोर्टेंट नाम आता है आचार्य नरेंद्र देव का। तो आचार्य नरेंद्र देव 1889 लेकर 1956 तक इनका जीवन काल रहा। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे और बौद्ध धर्म के विद्वान थे। और आजादी से पूर्व सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। यानी कि जो कांग्रेस से अलग होकर के जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके जो भी महत्वपूर्ण नेता थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। अभी एक और इम्पोर्टेंट जो राजस्थान भारत की जो भी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
एक राजनीतिक दल के रूप में 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत में के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह जिसमें जिसको कम्युनिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है उभरे, और ये समूह जो भी थे वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। अब होता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उससे प्रेरित थे, और 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। यानी शुरुआत में ये राष्ट्रीय कांग्रेस से मिले हुए थे, लेकिन कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि जो विपक्ष की भूमिका के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता थी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी विपक्ष के नाम से सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको 16 सीटें मिली, और इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। चीन और सोवियत संघ के बीच में विचारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी 1964 में एक विभाजन हुआ, एक बड़ी टूट का शिकार हुई, और सोवियत संघ की विचारधाराओं को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, और इसके विपरीत इसके विरोध में राय रखने वाले यानी जो चीन के समर्थक थे उन्होंने नई पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPIM, और नाम से अलग दल बनाए, और दोनों दल आज तक कायम है। तो इस तरीके से 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन भी हुआ, और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ क्या था, इसके कौन संस्थापक थे? तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और इस दल की जड़ें आजादी से पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। यानी इनसे ही ये पार्टी इसका गठन हुआ था, और इसकी जो विचारधारा मेन थी एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, ये इसकी विचारधारा थी। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही, और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे रही। और चीन ने 1964 में जब अपना परमाणु परीक्षण किया तो इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकार की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे, और उसी के बाद में 1974 में भारत में प्रथम परमाणु जो परीक्षण किए गए थे वो इंदिरा गांधी के समय में किए गए थे। 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर इनको सफलता मिली, और 1957 के आम चुनाव में लोकसभा की 4 सीटें मिली। और भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं इसी जनसंघ से है या इसी जनसंघ में है, तो ये जनसंघ के संबंध में हो गया। अगला है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1949 में स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस के नेता कर रहे थे। यानी इसका भी गठन है वो कांग्रेस के अंदर से ही जो भी नेता थे उन्होंने किया था, जिसमें प्रमुख नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता थे। और ये पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टी से अलग थी। यानी इसकी विचारधारा आर्थिक मामलों पर अलग थी। सी राजगोपालाचार्य जो अवगत होगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे, तो 1878 से लेकर 1972 तक ये जो थे जिनका जीवन काल, ये संविधान सभा के सदस्य रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे 1948 से 1950 तक, और उसके बाद में भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय, और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक थे सी राजगोपालाचार्य। तो सी राजगोपालाचार्य से संबंधित भी कई प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न का जो वीडियो मैंने पहले भी पिछले साल अपलोड किया था उसमें भी इनके संबंध में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और क्विक रिवीजन की संक्षिप्त वीडियो को आप बार बार अगर देखते रहें ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो नहीं छूटे और आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। अन्य पार्टों के वीडियो भी मैं नए सिरे से वापस अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि पिछले साल भी मैंने ये सारे वीडियो अपलोड किए थे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।